सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं घंटी बटन ताकि आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन को जरूर पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, आगे जब मैं फिर से अपने वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक ईगल बीट पेपर। इसमें आपको एक पेपर जरूरत पड़ेगी, ओरिगामी पेपर भी आप ले सकते हैं या फिर और कोई भी एक प्लेन व्हाइट कलर का A4 साइज पेपर भी आप ले सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था कुछ वीडियो हाउ टू मेक रिंग बीट पेपर, हाउ टू मेक रोज बीट पेपर, आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ईगल बनाने के लिए हमें बहुत सारी स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको उन स्टेपों को दिखा देता हूँ। देखिए ये पहला स्टेप है, इसमें आपको स्क्वायर शेप का पेपर लेना है। फर्स्ट स्टेप फोल्ड इन हाफ ट्वाइस टू मेक क्रीजेस एंड फोल्ड बैक। सेकेंड स्टेप फोल्ड टू मीट द सेंटर लाइन अलोंग द क्रीज एंड फोल्ड बैक। थर्ड स्टेप फोल्ड बैक वार्ड टू मेक अ क्रीज एंड फोल्ड बैक। फोल्ड इन डॉटेड लाइन। स्टेप 5 फोल्ड टू मेक अ क्रीज एंड फोल्ड बैक। सिक्स्थ स्टेप ओपन द अप पार्ट एंड फ्लैटन। स्टेप 7 टर्न ओवर। स्टेप 8 स्टेप फोल्ड, उसे हमें ऊपर से नीचे एक स्टेप फोल्ड देना है। स्टेप 9 फोल्ड इन डॉटेड लाइन। स्टेप 10 फोल्ड टू मेक अ क्रीज एंड फोल्ड बैक। स्टेप 11 ओपन द अप पार्ट एंड फ्लैटन। स्टेप 12 फोल्ड इन हाफ। स्टेप 13 टर्न अराउंड। स्टेप 14 फोल्ड इन द डॉटेड लाइन बैक इज द सेम टू। हमें ऐसा फोल्ड करना है ताकि सेम बैक और फ्रंट दोनों सेम लगे, जैसे फिगर में दिया हुआ है। स्टेप 15 पॉकेट फोल्ड, हमें पॉकेट फोल्ड से करना है। स्टेप 16 स्टैंड विथ डॉटेड लाइन बैक इज द सेम टू, हमें स्टैंड विथ डॉटेड लाइन बैक करना है, उसे जहाँ पे डॉटेड लाइन दिया हुआ और दोनों को सेम बनाना है। स्टेप 17 ड्रॉ ए फेस एंड फिनिश्ड, हमें जैसे मैंने स्टेप 16 में दिखाया स्टैंड डॉटेड, हमें उसका जो पंख था विंग्स उसे ऐसे फोल्ड करना था और उसका फिर लास्ट स्टेप में हमें उसका फेस बनाना है, आइज बनाना है और हमारा ईगल बन चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सके और गेमिंग की ज़्यादा लोग जान सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता और गेमिंग के बारे में इंडिया में ज़्यादा लोग जानते हैं। तो इसे ज़रूर दूसरों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे सीखें, बच्चे आजकल बहुत इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे अगर जानेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।